हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मसी। और आप आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह, बहुत ही पॉपुलर जगह जिसका नाम है ब्लू पॉन्ड। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं साथ में। टन टन। हाँ तो दोस्तों, हम लोग करीब करीब पहुँच ही गए हैं अब मंजिल की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा काशी टंडी का फूल है और बहुत ही मस्त नज़ारा है। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ। तो हमारे साथ नेचर बॉय हैं, वो वाले नहीं, WWE वाले नेचर बॉय नहीं, ये इसको तो पता भी नहीं होगा कि वो है कौन। फिर साथ में है जुआलॉजी के एक बच्चे। तो एक तरह से हमारा एक बायोलॉजिकल टूर हो जा रहा है। हम बोटनी और जूलॉजी मिलके पूरा बायोलॉजी बन जा रहे हैं। तुम जूलॉजी, वो बॉटनी, मैं माइक्रोबायोलॉजी। मज़ा आ रहा है। मतलब अब मंजुल है जो कि नेचर बॉय, नेचर की तस्वीर को अपने जहन में और अपने कैमरे में उतारते हुए। तो अपने पास पैसा नहीं है तो इन लोगों को वापस भेज रहे हैं कि जाओ यार कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सब लेते आओ। ब्लू पॉन्ड के पास पहुंच चुके हैं। तो फिर देखिए, जाओ देखिए। वाह, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये लोग भूले भटके लोग मेरे से आगे आगे जाते हुए आप लोग देखिए, अब यहाँ ये है ब्लू पॉन्ड। तो फाइनली हम लोग यहाँ ब्लू पॉन्ड में पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ। अलग अलग वेजिटेशन दिख रहे हैं। तो ये तो अलग अलग प्लांट्स के बारे में तो मंजुल बताएगा, नेचर बॉय हमारा, और साथ में एक जूलॉजिस्ट को भी लेके आए हैं। आप लोग बहुत कुछ सोचते होंगे कि बायोलॉजिस्ट लोग ज़्यादा मज़े नहीं करते होंगे, तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए हो गया। खैर, हम लोग पहुँच तो गए हैं ब्लू पॉन्ड, ब्लू पॉन्ड जो कि हरा है। और हरा है ये कलर, कौन सा कलर लग रहा है तुमको? हरा है कि नीला? मौसम साथ नहीं दे रहा है। कौन सा कलर लग रहा है संजीव? नहीं पता यार, हम लोग हमको ग्रीनिश ब्लू लग रहा है। ग्रीनिश ब्लू या ब्लू इज ग्रीन, एल्गल ब्लू। ब्लू इज ग्रीन लग रहा है या ग्रीनिश ब्लू लग रहा है? हम लोग कलर पहचान नहीं। और थोड़ा सा बादल का मौसम रहता तो अच्छा रहता। सही बात है, बहुत ही धूपमय जिंदगी हो गई है। इसको पहचानने के लिए क्या करें, ये कैमरा में तो आएगा नहीं, इसको पहचानना है। नेचर बॉय अपने नेचर ब्लॉग के लिए डालते हुए। संजीव कुछ टिप्पणी कीजिए, यहाँ पर कुछ जीव जंतु मिलेंगे क्या? जीव जंतु तो इनवर्टिब्रेट्स बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे, और हम लोग वर्टिब्रेट्स की उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वर्टिब्रेट्स में केवल हम ही, हम मंजुल और मन भैया मिल सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत है, मे भी फिशेज भी मिल सकते हैं इसमें, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। बाकी छोटे छोटे जीव जंतु यहाँ पे शायद हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन सुनते हैं कि ये भूताहा तालाब है, इसलिए हम लोग को नीचे जाने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मन भैया का कहना है कि हम लोग अगर नीचे जाएंगे यहाँ और अगर नहाने की कोशिश करेंगे तो फिर अंदर से कोई खींच लेता है हम लोग को। लेकिन तो हम लोग नहाने का प्लान बना के आए थे, लेकिन मन भैया हम लोग को डरा दिए इतना कि हम लोग अगर नहाएंगे तो अंदर से कोई खींच लेगा, इसलिए शायद फिर हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, इसलिए फिर हम नहाना नहीं चाहते हैं। आप लोग अभी अगर देखिएगा तो फिर ये ऐसा पौधा है जो कि पूरे रांची झारखंड में पूरा फैला हुआ है। इसको एक सुंदरता के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेज़ों ने, और फिर इसने वीड की तरह पूरा इंडिया पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपनी निशानी छोड़ गए। लोकल भाषा में हम लोग इसको पुटुस बोलते हैं, और हम लोग बचपन में इसके फूल को
लेकर के पान बना के खाया करते थे और बैलून का आकार दे करके खेलते थे। और इसका जो फल है ये अभी हरा है, इसको पकने के बाद ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक हो जाने के बाद इसको हम लोग खाते थे बचपन में, और अभी भी पका हुआ रहता तो हम लोग खाते, क्योंकि इसमें मीठापन बहुत अच्छा रहता है। इसमें और फ्लावर का भी मीठापन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग इसको एक साथ हाथ में ले करके और पीछे से उसको शक करते थे और मीठापन हम लोग को महसूस होता था इससे। अब वो मज़ा आ भी रहा है यहाँ, और ये इसका मज़ा अभी मंजूर ले रहे हैं लाइव डेमो, बहुत मस्त है रियली। और हम लोग सारे फूल को जमा करके एक बॉल का आकार देते थे, वो भी बहुत खूबसूरत दिखता था। अब यहाँ बहुत सारा वैरायटी है, ये सिर्फ नहीं, यहाँ भी एक अलग वैरायटी है। अब उधर देखिए, उधर अलग, उधर व्हाइटिश कलर का है, उधर येलोइश कलर का है। झाड़ जंगलों का प्रदेश है झारखंड, और यदि आप यहाँ आएंगे तो हम आपको खिलाएंगे फुटोस और उसके रस। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नया चीज है जरूर, आज फर्स्ट टाइम, और इसका रस मैंने टेस्ट किया था, काफ़ी मीठा है। लेकिन आप ऐसे गलती मत कीजिए, क्योंकि ये जहरीला हो सकता है। तो आप क्यों किए ऐसा गलती? नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करिएगा तो हो गया, तो स्वीट पॉइजन भी हो सकता है, सिस्टम अलग होता है। क्यों क्यों, हम लोग अपने आप को जानवर क्यों नहीं कह सकते? मतलब हम लोग उस टाइप का हर तरह का सेलुलोज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे टाइप का सेलुलोज इसमें पाया जाता है, और हम लोग नहीं पाया जाता खास में एक्चुअली इसमें। नहीं, जैसे जानवर जानवर है तो वो पत्ता वगैरह भी खाता होगा, तुम जैसे वर्टिब्रेट है, नहीं वर्टिब्रेट है। अरे तो जानवर लोग का डाइजेशन सिस्टम अलग होता है, उन लोग का बहुत सारे केमिकल्स है जो उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सब कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पचा लेते हैं। हमारे पास भी HCL रहता है, पेप्सिन रहता है। तो HCL हर चीज़ को नहीं ना पचा सकता है। अब ये तो बस हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे खाना खाने, बहुत बहुत जोर की भूख लग रही है। ये दोनों लड़के लोग बहुत घुमाए हैं मेरे को, ट्रैफिक में थक गए। ये हमारा भोजन है, भोजन उसके बाद में फिर हम लोग कौन कौन जानवर खाने वाला, ये है जूलॉजिस्ट बाबा, ये है बॉटनिस्ट बाबा, नेचर लवर। अब हम लोग खाने बैठ जाते हैं। लग रहा है ना मतवारी कर रहे हैं, मतवारी वाला तो फीलिंग आ रहा है। हम भी पीते हैं, झूठ का है बोले, बहुत बड़का मतवार है, पीते हैं। लेकिन क्या, गन्ना का जूस, नारियल का पानी, मौसमी का जूस, अनानास का जूस, मिक्स फ्रूट, यही सब पीते हैं, और ये सब का तो हम एडिक्टेड है। जब बोलिएगा पूरा गन्ना का जूस तो हम पूरा 12 महीना पीते हैं, एकदम ठंडा रहे, बरसात रहे, हमको कुछ नहीं होता ठंडा। बहुत लोग बोलते हैं सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, कुछ नहीं होता, वही सर्दी खांसी बचाता है। मंजूर को कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? यहाँ पर भी मुझे भी संजीव जी से बोला, कभी हम लोग साथ में बहुत सारे काम किया करते थे, मतलब अच्छे काम करते थे, और स्टडीज भी साथ में करते हैं, और हम लोग का अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी फ्रेंडशिप है। और आज काफ़ी दिनों बाद ये वाला टाइम मिला, बाहर आने का मौका मिला, इतना समय बाद में कि इवन क्लासेस भी अपना अपना होने के बाद हम लोग काफ़ी इधर उधर हो गए थे अपना अपना, बट आज फिर से मिले और साथ में बैठ करके बहुत मजेदार फील नहीं पाते। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो आज कॉलेज में नहीं है तो अच्छे से मिल ले, बहुत मजा आ गया इसलिए साथ में। अब तुम लोग जब साथ में है ही तो ये बताइए यहाँ केचुआ मिलेगा? खोजने से तो भगवान भी मिल जाता है, केचुआ कैसे मिलेगा? केचुआ कैसे, थोड़ा परिश्रम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिलने का मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात। आप बताइए आपका फील्ड में क्या मिलेगा यहाँ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म ही होता है जो हर जगह पाया जाता है, धरती में, आकाश में, हवा में, पानी में, धूप में, बरसात में, सब में पाया जाता है, इसीलिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपोलिटन बोला जाता है। सही बात है, तो वो तो कहीं भी मिल जाएगा, अभी हम लोग जो खा रहे हैं उसी में मिल जाएगा। देखिए, कचरा फैलाने के पर्पज़ से हम लोग एकदम नहीं आए हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले भैया आए थे तो बोले थे यहाँ बहुत साफ़ सुथरा जगह है,
लेकिन अभी आए तो देखे कहीं प्लास्टिक फेंका हुआ है, कहीं खा खा के सब लोग फेंक देता है। तो हम लोग सोचे हैं कि हम लोग जो भी खाएंगे, जितना भी कचरा बचेगा उसको रैप करके ले जाएंगे, और कहीं रास्ते में डस्टबिन मिलता है तो वहाँ फिर हम लोग डाल देंगे। हमारा जल परा एंजॉय करते हैं हम लोग का परा पापा का चमगादड़ पापा का मगरमच्छ पापा पे की परी माँ का मगरमच्छ तो फाइनली हम लोगों ने बहुत मज़े करते हुए यहाँ से हम लोग विदा ले रहे हैं, इस जगह को विदा कह रहे हैं। और नेचर बॉय ने बहुत मज़े किए यहाँ पर। ये इकलौता बंदा है जो कि ज़्यादा कुछ नया दोस्त लोग भी मिला है कुछ नए दोस्त भी मिले वहाँ पर हमारे एरिया के, और तो काफ़ी मज़ा आया। और उम्मीद है कि आप लोग भी कभी आएंगे तो फिर आप लोग भी मज़े करेंगे ऐसे, लेकिन ध्यान रखें कि गंदगी ना फैलाएं यहाँ। ठीक है, टेक केयर।